बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर माहे रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे का एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर आप उस अमल को कर लेते हैं फिर आप अपने रब से जो भी नेक और जायज़ हाजत और दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको अपने प्यारे हबीब के सदक़े से और इस माह रजबुल मुरज्जब की अज़मत की वजह से अल्लाह पाक उसको पूरा फरमाएंगे। अपनी इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन इस्तेमाल करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले हमारे बताए हुए वज़ायफ को अच्छे अंदाज से देख सकें। और इसके अलावा मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, अगर आप हमारी वीडियो को सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं तो लाजमी तौर पर सदक़ाए जारिया की नीयत के साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। और अगर आप अपना नाम ख़ास दुआ में शामिल करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी वजीफ़ा चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह हम उसके मुतालिक भी आपकी ज़रूर ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो बहरहाल मेरे नहायत ही वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, माह रजबुल मुरज्जब ये बड़ा ही अजमतों वाला महीना और बरकतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला गुनाह के जो सवाब गुनाह का जो अजर है जो उसकी सज़ा है उसको भी बढ़ा देता है और जो सवाब है एक नेक अमल करने का अल्लाह ताला उसको भी बढ़ा देता है। क्योंकि ये महीना जो है वो बड़ी अजमतों वाला महीना है। कुफार मुशरिकीन मुजा जो यहूद और नसारा है वो अल्लाह ताला के हुर्मत वाले महीनों के अंदर ना जंग करते थे ना किताल करते थे ना किसी की गीबतें करते थे और हमारा हाल ये है कि हम लोग हुर्मत वाले महीने का भी एहतराम नहीं करते। हम लोग इधर उधर की बातों में इनको गुजार देते हैं। हम लोग इधर उधर की बातें लोगों की गीबतें मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात के मुतालिक झूठ के अंदर मुबतला हो जाते हैं हराम के अंदर मुबतला हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों ऐसा क्यों करते हैं? अगर मुशरिकीन जो है वो इन महीनों का एहतराम करते हैं जंगो जिदाल नहीं करते कत्ल नहीं करते एक दूसरे के मामलात के अंदर नरमी बरतते हैं तो क्या हम अपनी ज़ुबान को इन कामों से महफूज नहीं रख सकते? इस माह के अंदर सारा साल हम अल्लाह ताला की इबादत से महरूम अपने आप को रखते हैं। रमज़ान आता है हम इबादत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा प्यारे और मोहतरम भाइयों इबादत सिर्फ रमज़ान में करने का नाम नहीं है कि रमज़ान आ जाए अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो यही इबादत ये नहीं है। सारा साल इबादत करनी है सारी जिंदगी इबादत करनी है हर लम्हा अल्लाह की इबादत करनी है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों इस महीने के अंदर कसरत के साथ जिक्रुल्लाह करें तौबा और इस्तिगफार करें। ये अल्लाह का महीना है हदीस पाक के अंदर है ये अल्लाह का महीना है। तो जो अल्लाह का महीना है अगर बंदा इसमें तौबा और इस्तिगफार करे नेक आमाल करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा? ज़रूर फरमाएगा अल्लाह ताला दुआओं को। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल फरमाएगा। कोई मांगने वाला तो अल्लाह ताला से हो ना दुआओं को फिर ही है ना। आइए अब मैं आपको आज अमल बता देता हूँ। अमल सुन लीजिएगा तवज्जो कीजिएगा हो सके तो लिख ले ताकि आपको आसानी रहे। आपने करना यूँ है नमाज जुमा वाले दिन जिस दिन जुमातुल मुबारक है माह रजबुल मुरज्जब का पहला जुमा आपने मगरिब की नमाज के बाद आपने 12 रकत नमाज नफिल ये अदा करने हैं। कितने 12 रकत नमाज नफिल अदा करने हैं? दो दो सलाम यानी एक एक सलाम पढ़ना दो दो रकत करके पढ़ने हैं 6 सलामों के साथ। फिर इसके बाद आपने करना क्या है इनमें पहली रकत के अंदर आपने सूरतुल कदर यानी सूरह फातिहा के साथ सूरतुल कदर 3 बार और सूरह इखलास 12 मरतबा। कैसे पढ़ना है सुन लीजिए। पहली रकत जो है यानी यूँ आपने इनको मुकम्मल करना है कि हर रकत के अंदर आपने सूरतुल कदर ये 3 बार और सूरह इखलास 12 मरतबा आपने पढ़नी है। यूँ आपने 12 रकत नमाज नफिल जो है ये अदा करने हैं। इसके बाद आपने अत्तहियात की शक्ल में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वो दुरूद पाक क्या है वो सुन लीजिएगा। वो दुरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन
نِنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ. आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाएगा, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. इस दुरूद पाक को आपने 70 दफा पढ़ना है. इसके बाद आप अपनी सजदा करें. ये नमाज का सजदा नहीं होगा, वैसे ही अल्लाह की बारगाह में होगा सजदा, शुक्र की नियत से कर ले. सजदा करें और सजदे के अंदर 70 दफा ये दुआ पढ़े, सुबूह قدوس رب الملائكة والروح. 70 दफा ये कलिमात पढ़कर सजदे से सर उठा ले. उठाने के बाद फिर तैयद की शक्ल में बैठकर 70 दफा ये कलिमात पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अअज़म. इन कलिमात को 70 दफा पढ़ने के बाद फिर सजदा करें और सजदे के अंदर वही पहले कलिमात जो पढ़े, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह, ये कलिमात पढ़े, फिर सजदे से सर उठाए. यू दो सजदे हो गए और दो सजदों के दरमियान एक अत्तहियात हुई, एक अत्तहियात अब होगी. दो अत्तहियात में बैठकर और दो सजदों के दरमियान यू आपने फिर पढ़ना है 70 दफा, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अअज़म. ये आपने कलिमात यू पढ़ने के बाद निहायत ही आजजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, ऐ मेरे मौला हमारे बिगड़े हुए कामों को सवार दे, मौला हमारी बिगड़ी हुई तमाम दुआएं कबूल फरमा, हाजतें पूरी फरमा. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमले मुबारक की बरकत से और माह रजबुल मरजब की पहले जुमे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम नेक जायज दुआएं कबूल फरमाएगा. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तमाम महीनों के अंदर अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने प्यारे हबीब का सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए. आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.